Hi Leo, I hope you guys are doing great. I hope you guys are doing fine. सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी ताकि क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमेंट किया और बताया कि यार ये वाला पैटर्न आप लोगों को अच्छा लग रहा है. सो आई एम कंटिन्यू डूइंग दैट पैटर्न. थोड़ा सा हाँ इलेबरेट रीडिंग्स भी देने की कोशिश करी हूँ. बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करी हूँ आप लोगों के लिए ताकि वो आपको आपकी जर्नी में थोड़ा सा हेल्प कर पाए. सो येस, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड नाउ लेट्स pull out two cards for you Leo and let's see what the week looks like and one angel message for the week. Okay, Leo, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हफ्ते आप definitely अथॉरिटेटिव फील कर रहे हो. आप डेफिनेटली ग्रो कर रहे हो. आप डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ में आपको अप्रिसिएशन तरक्की ज़रूर मिल रही है. तो आई फील लियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसे अक्नॉलेज करना. आप जितनी मेहनत करके आज यहाँ आए हो ना, एक बारी कैसे कहते हैं पीछे मुड़कर देख लीजिए कि आपका जो रास्ता था वो इतना ईजी नहीं था. आप बहुत लंबा रास्ता तय कराए हो. तो अपने आप को अप्रिशिएट आप भी करो. दैट इज़ वॉट दिस कार्ड इज सेइंग. सेकेंडली ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि आप आज जो भी हो ना, आप कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों ने आपको वहाँ तक पहुँचने में मदद भी की है. तो आई फील लियो इट्स ऑल्सो टाइम टू अक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द पीपल हु हैव हेल्प्ड यू कम सो फार इन लाइफ. आई फील ये इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया ना आपके लिए कंसिडर करने के लिए कि यार मैं अथॉरिटेटिव तो हूँ, मैं डेफिनेटली पावरफुल भी हूँ, मैं डेफिनेटली गुड डिसीजन मेकर भी हूँ. और मैं बताऊँगी ये हफ्ते अगर आपको कोई डिसीजन लेनी है बेझिझक ले लीजिए. आप बहुत ही सुलझे हुए लग रहे हो ये हफ्ते. ऐसे लग रहा है आपकी एनर्जीज बहुत क्लियर है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत सोच समझ के. मतलब कैसे कहते हैं, आप सिर्फ दिल से काम नहीं लोगे इस हफ्ते, आप दिमाग को भी पिक्चर में लाओगे और कैसे कहते हैं एक म्यूचुअल बैलेंस पे आओगे. दिल और दिमाग के म्यूचुअल बैलेंस पे आके आप कोई डिसीजन लोगे जो आपके लिए बहुत लंबे अरसे तक फायदेमंद रहेगी. सो इट्स डेफिनेटली अ गुड वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ एनी डिसीजन मेकिंग. कोई बड़ा काम करना हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड आइडिया. अब ये कार्ड है, ये कार्ड भी काफ़ी अच्छा कार्ड है. ये बता रहा है ऑफकोर्स, आई मीन आई विल ट्राई एंड रिलेट दिस बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों शायद एक ही चीज़ आपको बोलना चाह रहे हैं. आप थोड़ी सी ना रिसर्च कर लो. आप थोड़ा सा ना, मतलब कैसे कहते हैं, जो काम कर रहे हो, जितने हम सुलझे हुए दिख रहे हैं. क्यों सुलझे हुए दिख रहे हो? क्योंकि आप बहुत एफर्ट ले रहे हो कोई चीज़ को समझने की. तो इट्स डेफिनेटली गिविंग यू हेड्स अप कि आप जो समझने की कोशिश कर रहे हो आपको वही रास्ता पकड़ना है, वही ट्रैक पकड़ना है, वैसे ही चलते जाना है, तब जाके वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी. ऑल्सो लियो मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके दिमाग में कोई पैशन है, कोई चीज़ है, यार ये चीज़ मुझे सीखनी है बड़े अरसे से, यार ये चीज़ ना मुझे बस करना है किसी ना किसी तरीके से, तो मैं बताऊंगी इट्स अ वेरी गुड टाइम टू लर्न अ न्यू थिंग, लर्न अ न्यू पैशन, लर्न अ न्यू हॉबी. थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में जाके उसका कोई कोर्स ले लीजिए, पार्ट टाइम, फुल टाइम, यू नो वट एवर वर्क्स पर एज पर योर शेड्यूल एंड योर रूटीन. तो ये बता रहा है कुछ ना कुछ नया सीखने का भी समय है. अपने आप को ग्रो करते हुए ही देखोगे, अपने आप को आगे बढ़ते हुए ही देखोगे. और ये हफ्ता ओवरऑल आप बैलेंस करो अपने आप को बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बता रहा है थोड़ा सा एनवायरमेंटल अवेयरनेस आपको आगे ले जा रहा है. अब एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या होता है? आप ना ऐसे सिर्फ आंख बंद करके आगे नहीं चल रहे हो, आप अपने आसपास वाले लोगों को भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो. आप अपने आसपास वाले लोगों को भी कैसे कहते हैं एक दर्जा दे रहे हो और उनको समझने की कोशिश कर रहे हो. सो आई फील लियो ये जो आप कर रहे हो, ये जो रास्ता आपने चूज किया है, ये आपको यूनिवर्स एक बहुत अच्छा सा हेड्स अप दे रहे हैं. आई फील इट्स टाइम यू वॉक टूवर्ड्स द सेम जर्नी जो आपने पकड़ी हुई है. एंड इट इज गोइंग टू शो यू द चेंजेस, इट इज गोइंग टू शो यू द डिफरेंस, एंड इट्स ओनली टेलिंग यू कीप डूइंग वॉट यू डू. ऑल्सो मैं बताऊंगी ये कार्ड थोड़ा सा आपको ना नेचर से भी कनेक्ट होने बोल रहा है. जैसे आप नेचर से कनेक्ट होगे ना, जो भी जहाँ पे भी अगर आपको ब्लॉक अगर फील होगा, आप ऑटोमेटिकली उसका रास्ता आपको दिख जाएगा. तो ये महीना ना, ये हफ्ते आपका कैसे कहते हैं दिमाग एकदम अच्छा चल रहा है एंड खुला हुआ है, एंड आप उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करोगे. सो अगर आपकी टू डू लिस्ट अब तक रेडी नहीं है, प्लीज़ अपनी टू डू लिस्ट बना दीजिए और अपने काम पे डेफिनेटली फोकस कीजिए. इट्स गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव वीक फॉर श्योर. सो आई होप लियो दिस हेल्प्स, आई होप दिस गिव्स यू क्लैरिटी एंड गिव्स यू द गाइडेंस दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन लाइफ. एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. हैव अ ग्रेट डे हैड. गुड बाय.